उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जहां कार्यकर्ताओं में जोश फूंका तो वहीं विरोधी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता निर्णायक रूप से बीजेपी के साथ है और इसी वजह से यूपी चुनावों के परिणाम परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे। अमित शाह ने पीएम मोदी को आजादी के बाद का सबसे बड़ा नेता करार दिया। मोदी सरकार के 3 सालों के काम को बेहतरीन बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में आर्थिक रूप से तेजी से उभरता देश है। अमित शाह ने कहा कि मोदी को फिर 2019 में प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का चरम उत्कर्ष आना भी बाकी है। हमारा लक्ष्य है सभी प्रदेशों में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। अध्यक्ष ने एक और बात कही कि 14 का रिजल्ट तो अपने आप में ऐतिहासिक था। 30 साल के बाद भाजपा को बहुमत मिला, एक दल को, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा में 73 सीट को जीतने के यशस्वी कीर्तिमान के बावजूद बहुत सारे चिंतक और विश्लेषक ये कहते थे 73 out of 80 वॉज बाय डिफॉल्ट। ये एक अचानक की घटना है, लेकिन आज 403 में 325 सीट का जीतना इस बात का प्रामाणिक उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश की जनता निर्णायक प्रामाणिक रूप से भाजपा के साथ आई है। और ये चुनावी नतीजे परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का भी एक प्रकार से बहुत बड़ा निरादर है, उसकी अस्वीकृति है। वहीं इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विरोधी दल हार नहीं स्वीकार कर रहे हैं और वो ईवीएम में हार का बहाना खोज रहे हैं। मित्रों, अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि हम ये अपेक्षा करते थे कि हारे हुए दल ईमानदारी से हार को स्वीकार करेंगे, लेकिन अब वो हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं और उस बहाने में ईवीएम की चर्चा हुई है। अध्यक्ष जी ने कहा 2004 और 2009 में यूपीए जीती तो ईवीएम ठीक था, सपा बसपा जब 2007 और 2012 में उत्तर प्रदेश में शासन में आए तो ईवीएम ठीक था, दिल्ली और बिहार में भाजपा हारी तो ईवीएम ठीक था, दिल्ली में तो 67 सीटें मिली, और पंजाब में भाजपा अकाली दल हारा और कांग्रेस जीती तो ईवीएम ठीक था कि खराब था। अध्यक्ष जी ने कहा कि इस तरह की बातें करना सच्चाई की हार को ईमानदारी से स्वीकार करने की बजाय चुनाव आयोग के खुले निराधार के समान है। वहीं इससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने भुवनेश्वर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से पीएम मोदी का काफिला रोड शो की शक्ल में राजभवन के लिए रवाना हुआ तो सड़क के दोनों तरफ पीएम के स्वागत में लोग खड़े थे। पीएम मोदी लोगों से मिलते हुए जनता ग्राउंड की तरफ रवाना हुए तो उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा ले रहे हैं। अपनी धमाकेदार कार्यशैली से चर्चा में आए योगी आदित्यनाथ पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आगे बढ़ते यूपी की सियासत में एक बार फिर महागठबंधन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मायावती ने जहां बीजेपी विरोधी दलों के साथ हाथ मिलाने के संकेत दिए तो वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी कहा कि वो झूठ के खिलाफ हर गठबंधन के लिए तैयार हैं।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को एंटी बीजेपी दलों से हाथ मिलाने के संकेत दिए तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार और ईवीएम पर जमकर निशाना साधा। ईवीएम में गड़बड़ी की बात कहते हुए उन्होंने आने वाले समय पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। अखिलेश ने कहा कि ये जनता को धोखा देकर बनी सरकार है और वो झूठ के खिलाफ गठबंधन के लिए तैयार है। आने वाले समय में राजनीतिक जो भी गठबंधन बनेगा और जिस रूप में भी बने, समाजवादी लोग पूरी भूमिका निभाएंगे उसमें। अखिलेश ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग उन्हें हिंदू नहीं समझते। रोमियो की कहानी तो पता होगी आपको, उसने जेल खा लिया, चिट्ठी उसे समय पर नहीं मिली थी, वो मर गया पहले, और अब यहां कितने पट रहे हैं रोमियो, घरों में घुसते जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग तो ऐसे कि हमें हिंदू ही नहीं समझ रहे हैं। हमें खुद पूछना पड़ेगा उनसे कि भाई हम हिंदू हैं क्या नहीं है। अब तो हमें ये करना पड़ेगा कि सुबह जब मैं मंदिर के सामने जाऊं पूजा करूं तो पहली पिक्चर ट्वीट कर दूं मैं। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, शायद यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों करारी हार के बाद एसपी और बीएसपी को एक दूसरे से हाथ मिलाने में ही भविष्य की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अमिता पारुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। बीजेपी ने भी अखिलेश पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि बुआ और बुआ जी के भतीजे अपनी हार का ठीकरा अब ईवीएम पर फोड़ना चाहते हैं। देखिए, आज दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है और जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती तो भुआ जी और भुआ के भतीजे दोनों ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं अपनी हार का। अखिलेश जी को और उनकी भुआ को आत्मचिंतन करना चाहिए। 15 साल से उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश का दोहन किया है, अपराध भ्रष्टाचार को उन्होंने बढ़ावा दिया, इसलिए जनता ने उनको उदरनिकार किया है। तो आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आत्मचिंतन करें, ईवीएम पर अपनी पराजय का ठीकरा ना फोड़ें। हमें मैंडेट मिला है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के लिए और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। गांव गरीब के लोगों को सभी सुख सुविधाएं मिलें जिनके वो हकदार हैं और हमारी सरकार उसके लिए संकल्पबद्ध है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भले ही ईवीएम में गड़बड़ी को अपनी हार की वजह बता रहे हों, लेकिन उनके पिता मुलायम सिंह ने मान लिया है कि यूपी चुनाव में मोदी का जादू चला है। मुलायम ने कहा कि उनका अगला कदम जो भी होगा वो जनता के हित में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल किसी से गठबंधन को लेकर बात नहीं हुई है। पिछली एचपी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि एसपी सरकार में अच्छे काम हुए थे, 5.5 लाख लोगों को सरकार ने रोजगार भी दिया था। जनता के आगे चल मोदी, चल मोदी, चल मोदी, चल गए मोदी। पहले हवाई लहर आ गई, वही सरकार, अकेले पार्टी बहुमत की सरकार। वंदे मातरम के मुद्दे पर उत्तराखंड में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। वंदे मातरम ना गाने का बयान देकर विवादों में आए कांग्रेस के उत्तराखंड अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को हरीश रावत और इंदिरा हृदयेश ने नसीहत दी है। सवाल है कि क्या चुनावी हार की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए किशोर ने ऐसे बयान दिए। चुनावी शिकस्त की समीक्षा में जुटे किशोर उपाध्याय विवादित बयानों के तीर छोड़कर ध्यान बटाने का दांव चल रहे हैं। चुनावों से पहले मोदी शाह पर बड़े बोल बोलते रहे किशोर अब वंदे मातरम न गाने के बयान देकर अपनों के बीच ही घिर गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने किशोर को मेच्योर पॉलिटिक्स करने की नसीहत दी है। इंदिरा ने वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति का गीत बताते हुए इस पर राजनीति न करने की सलाह दी, जबकि हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास वंदे मातरम से जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम आज़ादी के पहले से भी, आज़ादी के बाद भी, हमेशा कांग्रेस के तो हर फंक्शन की शुरुआत ही उसी से होती है। और मैं समझता हूँ, समाज समझे या न समझे, कांग्रेस जनों को समझना चाहिए और हमारे किसी बयान से ऐसे तत्वों को अवसर नहीं मिलना चाहिए कि वो समाज को बांटने की प्रक्रिया को तेज कर सके। वंदे मातरम को बिना बजे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए,
वंदे मातरम इंदिरा है देश, ये जो सवाल उठा रहे उनका नहीं, ये राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और इसे लिखने वाले देश की आज़ादी के नायक रहे हैं। तो वंदे मातरम तो सभी इस देश में जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देशभक्त हैं, वो सब बोलते हैं। इसे मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर कुछ लोगों ने इसे मुद्दा बनाया तो मैं समझती हूँ ये देश हित में नहीं है। विधानसभा के रण में जिस तरह से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद पार्टी नेताओं में कोहराम मचा हुआ है। नेता एक दूसरे को इशारों में निशाने पर ले रहे हैं, जबकि किशोर उपाध्याय की रणनीति ऐसा बयान बहादुरी दिखाकर हार की नैतिक जिम्मेदारी की लटकती तलवार से बचने की कोशिश है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि किशोर उपाध्याय का वंदे मातरम पर बयान हार के दर्द को भुलाने का दांव है। 1922 के बाद जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया तो कांग्रेस के हर शिविर में, उसके हर कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया जाने लगा। अब सवाल भी है कि कांग्रेस की प्रदेश में इतनी बुरी हार हुई है जिससे वो स्वयं भी समझ नहीं पा रहे होंगे, तो हो सकता है कि इस तरह के विवादास्पद मुद्दे वो उठा रहे होंगे कि जिससे हार का दर्द उनका कुछ कम हो। अपने बड़बोले बयानों के सहारे सुर्खियां बटोरते रहे किशोर उपाध्याय पार्टी की बुरी गत के बाद भी पीसीसी चीफ की कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। यही वजह है कि बयानों से विवाद फैलाकर असल मुद्दे से पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का ध्यान बटाने का दांव फिर से खेला है उन्होंने। ये और बात है कि बीजेपी के हमले के बाद अब कांग्रेसी दिग्गजों ने भी हमला बोल दिया है। अब न सूत रहा न कपास, लेकिन जुलाहों में लठम लठा जारी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही दिख रहा है। किशोर उपाध्याय हार की असल समीक्षा से बचना चाहते हैं, इसलिए वंदे मातरम नहीं गाना चाहते, तो हरदा और इंदिरा भी किशोर से पुराना हिसाब चुकता करना चाहते हैं, लिहाजा वंदे मातरम पर किशोर को नसीहतें दे रहे हैं। अपने सहयोगी मैंक राय और कैमरा सहयोगी देशराज सिंह के साथ पवन लाल, चंदीने 24/7 देहरादून। आगे बढ़ते श्रीनगर सीट के लिए हुए उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला को जीत हासिल हुई है। फारूक ने पीडीपी के उम्मीदवार नजीर अहमद मान को मात दी। फारूक ने पीडीपी के उम्मीदवार नजीर अहमद खान को 10,500 वोटों से हरा दिया है। फारूक अब्दुल्ला को 47,926 वोटों से जीत मिली है, वहीं पीडीपी के नाजर खान को 37,369 वोट मिले हैं। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से श्रीनगर के SKICC में शुरू हो गई थी और शुरू से ही फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी उम्मीदवार के खिलाफ बढ़त बनाई हुई थी। चुनाव जीतने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने अपनी जीत को जनता के लिए समर्पित बताया। सितंबर 2016 में श्रीनगर संसदीय सीट तत्कालीन सांसद तारिक हमीद करा के इस्तीफे से ये खाली हुई थी सीट। यूपी के रामपुर में आज सुबह राजरानी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन मेरठ से लखनऊ जाने को थी और ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सरकार, रेल मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन एक्शन में आया। बरेली और नोएडा से ATS की टीम भी मौके पर पहुंची और यूपी सरकार ने हादसे की जाँच की जिम्मेदारी ATS को सौंपी है। वही GM रेलवे RK कुलश्रेष्ठ भी रामपुर पहुंचे। उनका कहना है कि सुबह तक दोनों ट्रैक चालू हो जाएंगे। इस समय मौके पर GM साहब भी पहुंचे हुए हैं, आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, आप यहां पहुंचे हैं अभी, अभी क्या देख रहे हैं यहां की स्थिति और किस तरह की जांच होगी इसमें? अब देखिए, इसमें जो भी कोचेस थी रिडलमेंट हो चुका है, तो मेन काम इसका हो गया है। ट्रैक में थोड़ा लिंकिंग का जो डैमेज हुआ है उसका काम चल रहा है और OHE का थोड़ा काम है, तो ये जल्दी हो जाएगा। रात के 11 से 12 बजे के बीच में उम्मीद है काम पूरा हो जाएगा और फिर ट्रैक चालू हो जाएगा। सर, पिछले दिनों जो हादसा हुआ था उसमें आप लोगों ने एक साजिश का भी ये हुआ था, ATS ने भी ये कहा था कि उसमें साजिश थी, इसमें क्या लगता है? क्योंकि ATS हमारी नॉर्दर्न रेलवे में हमने ऐसा कभी कुछ अभी इस तरह का केस अभी नहीं हुआ रिसेंटली, NCR रेलवे में हुआ था, तो हमारे रेलवे बोर्ड को ही पूछ सकते हैं उसके बारे में आप ज़्यादा इंक्वायरी। अच्छा, हमारे नॉर्दर्न रेलवे में तो रिसेंट इस तरह का कोई केस अभी हुआ नहीं है। अब जो भी होगा ATS भी सभी एंगल से देखा जाएगा, जो इंक्वायरी होगी उसमें सभी एंगल से देखा जाएगा। किसी साजिश से इंकार तो नहीं किया जा सकता? अब देखिए, इसमें हम कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ATS की टीम आई थी, उससे आपकी कोई मुलाकात है, कोई बातचीत? DRM साहब की हुई होगी आपकी मुलाकात? ATS की टीम से मुलाकात नहीं हुआ है। ये लोग सिविल पुलिस एंड बॉम्ब स्क्वाड, एवरीबडी हैज कम हियर एंड चेक द
देखिए वो नॉर्मल रूटीन है, कोई केस होता है सभी एंगल से देखा जाता है, चाहे उसको रूल आउट करना पड़ता है, तो अभी किसी कुछ भी बोलना मुश्किल है, अभी इन्वेस्टिगेशन है। सर, जब सुबह हमारी दिल्ली में बात हुई थी तो दो लोगों को 50,000 रुपया दिया गया था, अभी क्या 16 और लोगों की लिस्ट बनी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दो के अलावा एक और को भी थोड़ा सा लगा है इंजरी हल्की सी, और दो तो अभी हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही आदमी है। सर, अप डाउन तो लगभग आपकी क्लियर है, अपलाइन क्या लगता है कि डाउन लाइन कब तक क्लियर कर देंगे, क्योंकि पटरियां उखड़ गई हैं, उनको वापस से लगाना? अरे वही काम है, बताया रात के 12 बजे तक हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि मौके पर खुद जीएम जो हैं वो मौजूद हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, उनका कहना है कि अप लाइन रात में शुरू कर देंगे, डाउन लाइन के लिए सुबह तक इंतजार करना होगा, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है जो ये घटना हुई है उसके में उसमें भी कोई साजिश हो, और हो सकता है कि किसी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया हो, लेकिन फिलहाल अभी हर सिरे से जांच हो रही है, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर कारण क्या था। कैमरामैन विनायक के साथ सर्वेश कुमार, इंडिया 24/7।